हेलो हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल में। तो फ्रेंड्स आज हम HPPD पॉलिटिकल साइंस पेपर के जो आंसर किए वो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिनका भी एग्ज़ाम था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज सिरोंग लेक कहाँ है, तो कौन से ज़िले में है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किन्नौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रवि। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है तो फ्रेंड्स उसका हो जाएगा आवा, यानी कि सियावा इसका जो सही आंसर है, बट इन्होंने SI नहीं लगाया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास ज्वाइंस आउटर एंड इनर सीरस। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर है सी जलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज कुरु घंटाल गुम्पा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षम चिटकुल सेंचुरी इज नियर। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ सीप ब्रीडिंग फार्म। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ HP वॉज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑल वुमेन बैंक ओपन अराउंड 2014। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज स्पीति फेयर हेल्ड। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा मशोबरा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ चंबा चेंज द कैपिटल ऑफ ई स्टेट। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो मैं अभी पार्ट वन बना रहा हूँ, उसमें हम 35 या 40 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको इनका जो आंसर वो दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वो वाज द स्पीकर ऑफ HP विधानसभा इन 1972। तो फ्रेंड इसका आंसर है राणा कुटलर चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुकी ट्राइब फैमिली मेनली फाउंड। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ NCC। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा इन द फिल्म गांधी। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहिणी हटान गादी गढ़ी। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हु इज द ऑथर ऑफ अ पैसेज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इसका आंसर है EM फॉरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन इज अ, तो फ्रेंड वो क्या थे, वो थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी अहमद द नोबल बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो जाएगा एथोपिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लहासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डिड कॉमिपियंस बिलोंग्स। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलैंड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉपरनिक्स किस देश के थे। तो फ्रेंड सॉरी ये 18 था, 19th क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ऑन जुलाई 1969 2% वॉक्ड ऑन द मून वंस ऑफ देन वाज नील आर्मस्ट्रांग हु वाज द अदर। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी बज एल्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर विच रिवर इज बनावली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेफ्टी वॉल वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेथड एडवोकेट बाय द मॉडरेटर्स। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बट इसमें डाउट है थोड़ा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोविंस हैड द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो फ्रेंड इसका जो है वो जाएगा संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फीचर्स प्रिंसिपल वॉज एक्सपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया वन ऑफ द फॉलोइंग केस। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, सज्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इसका जो, ठीक है फ्रेंड्स ये 25 था, 26 को जो इसका आंसर है। ठीक है, तो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संविधान के भाग 21 में वर्णित है, ये जो है इसके जो 370 दर है अनुच्छेद है उसके में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट 31 क्वेश्चन पे आ गए हैं, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप डील्स विद द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ठीक है, 31 का बी थर्ड। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पीछे छूट गए वो हम मैं अभी सेकंड पार्ट डालूंगा उसका, तो उसमें वो दिखाई देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द टर्म थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ग इन इंडिया पॉलिटिकल रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन बाई। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 32 का वो जगह ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्स इलेक्टेड। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो जगह ऑप्शन नंबर डी 17th लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द सिंडिकेट दैट गवर्न द कांग्रेस सिस्टम। तो फ्रेंड्स 34 का जो आंसर है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वो एडवोकेट द हार्म प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है जो जे एस मिल, ठीक है। तो 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट वन। फ्रेंड्स जो पार्ट टू है वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है वो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिसका भी एग्जाम था, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।